आखिर कैसे काम करती है COVID-19 वैक्सीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट बिगिंस में। तो आज की वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर COVID-19 वैक्सीन इंसानी शरीर पर कैसे कामगार साबित होती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जब रोगाणु शरीर पर हमला करता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए विशेष कोशिकाओं को भेज देता है। कभी कभी इम्यून सिस्टम स्वाभाविक रूप से इतना मजबूत नहीं होता कि रोगाणु को खत्म कर शरीर को बीमारी से बचा सके। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का एक तरीका है और वो है वैक्सीन। वैक्सीन संक्रमण का एक नमूना बनाकर इम्यून सिस्टम को रोगाणु या अन्य रोगजनक से लड़ने के लिए तैयार करती है। इस रोगाणु से पहले लड़े बिना ही वैक्सीन इम्यून सिस्टम को उस रोगाणु की स्मृति बनाने में मदद करता है। इससे इम्यून सिस्टम वायरस, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे रोगजनक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आमतौर पर वैक्सीनेशन या टीकाकरण कराने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। दरअसल सबसे पहले वायरस के जेनेटिक कोड से पता लगाया जाता है कि कोशिकाओं से क्या विकसित होगा। इसके बाद उसे लिपिड में कोट किया जाता है, जिससे कि वो शरीर की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सके। वैक्सीन कोशिकाओं में एंट्री करती है और उन्हें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। यह रोग प्रतिरोधी प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने और टी सेल को एक्टिव करने के संकेत देती है, जिससे संक्रमित कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। इस तरह मरीज कोरोना वायरस से लड़ने और एंटीबॉडी और टी सेल संक्रमण को खत्म करती है। तो इस तरह वैक्सीन को मरीज के शरीर में प्रवेश करवाकर उसे कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि किसने किया था टीके का आविष्कार। बता दें कि इससे पहले भी भारत और कई देशों में वैक्सीन या टीकाकरण को इस तरह की संक्रामक बीमारी के लिए बहुत ही कारगर माना है। प्लेग, हैजा, चेचक जैसी बीमारियों के लिए टीके का ही आविष्कार किया गया था। इतिहास में प्लेग, चेचक, हैजा, टाइफाइड, टिटानस, रेबीज, टीबी, पोलियो जैसी कई महामारियां फैली थी, जिनके वजह से लाखों और करोड़ों लोगों की जान भी जा चुकी थी। अध्ययन और शोध बताते हैं कि किसी भी संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण ही बहुत प्रभावी और कारगर उपाय है। चेचक, पोलियो और टिटनस जैसी रोग से निजात टीकाकरण से ही मिली थी। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई थी। 1976 में अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। दुनिया में इनका नाम इसीलिए ही प्रसिद्ध है कि क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर के इस आविष्कार से आज करोड़ों लोग चेचक जैसी घातक बीमारी से ठीक हो रहे हैं। रेबीज भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसका संक्रमण जानलेवा होता है। प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया था। उनकी इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ही ला दी थी और मानवता को एक बड़े संकट से बचा लिया था। उन्होंने डिप्थेरिया, टीटनस, इंथ्रेक्स, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टीबी समेत कई बीमारियों के लिए टीके विकसित किए थे। वैक्सीन ने कई गंभीर बीमारियों से बचाया। वैक्सीन आने से पहले बच्चे अक्सर खसरा, पोलियो, चेचक और डिप्थेरिया जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो जाते थे। टीटनस से बैक्टीरिया से संक्रमण होने पर एक साधारण खरोच भी जानलेवा साबित हो सकती थी।
हालांकि वैक्सीन ने अब इन खतरों को दूर कर दिया है। चेचक और पोलियो दुनिया से लगभग पूरी तरह चले गए हैं। खसरा और डिप्थीरिया के मामले में गिने चुने ही बचे हैं। दुनिया भर में टिटनस के संक्रमण भी फैलने कम हो गए हैं। वायरस से आती है हर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन उन लोगों की भी रक्षा करने में मदद करता है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है, जैसे कि नवजात शिशु, अत्यधिक बीमार या बुजुर्ग। जब समुदाय के पर्याप्त लोगों को किसी विशेष संक्रामक बीमारी की वैक्सीन दी जाती है तो उस बीमारी की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार की सामुदायिक सुरक्षा को डॉक्टर हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन कैसे काम करती है? हमारे शरीर की संचारना ऐसी है जो बाहरी कीटाणुओं से लड़ती है। इसके लिए शरीर को बाहरी हानिकारक तत्वों से खुद को अलग करने की क्षमता होनी चाहिए और यह काम इम्यून सिस्टम का है। इसके लिए इम्यून सिस्टम बाहरी तत्वों की खोज करता रहता है, जिसे वैज्ञानिक एंटीजन भी कहते हैं। वायरस को कैसे नष्ट करती है ये वैक्सीन? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रोगाणु छोटे छोटे कणों से ही बनते हैं, क्योंकि यह मानव शरीर में बिल्कुल अलग से दिखते हैं। इम्यून सिस्टम अपने एंटीजन के जरिए इन रोगाणुओं पर हमला करता है। यह एंटीजन अलग अलग रोगाणु पर अलग तरीके से काम करता है। जैसे फ्लू और खसरा वायरस के लिए अलग अलग एंटीजन होते हैं। यहाँ तक कि दो अलग अलग प्रकार के फ्लू वायरस के लिए भी कुछ अलग एंटीजन हो सकते हैं। जब कोई भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, इसे रोकने के लिए इम्यून सिस्टम अपने विशेष कणों यानी एंटीबॉडीज को भेज देता है। ये वाई आकार के एंटीबॉडी प्रोटीन विशेष एंटीजन के लिए काम करते हैं। जब इन्हें ऐसे रोगाणु का पता चलता है जिसका सामना यह पहले भी कर चुके हैं, एंटीबॉडी इनसे निपटने का काम शुरू कर देता है। इनके दो काम है, एक तो एंटीजन को रोक कर रखना ताकि रोगाणु को कमजोर किया जा सके और वो शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचा सके, और दूसरा अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण का संकेत देना। यह अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाएं कीटाणुओं को नष्ट कर उन्हें शरीर से बाहर निकालती है। जब शरीर किसी नए रोगाणु का सामना करता है तो इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं। शरीर से संक्रमण दूर हो जाने के बाद भी इम्यून सिस्टम उस रोगाणु के एंटीजन को अपनी स्मृति में बिठा लेता है, जिन्हें बी कोशिकाएं भी कहा जाता है। यह स्मृति कोशिकाएं एंटीबॉडी को उस विशिष्ट रोगाणु के एंटीजन को पहचानने और उसे रोक कर रखने का काम करती है। इस तरह अगर वही रोगाणु फिर से शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह नया एंटीबॉडी उसे तुरंत पहचान लेता है। इससे पहले कि यह रोगाणु शरीर के संक्रमण को फैलाए, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को शरीर से रोगाणु को नष्ट करने का संकेत देता है। बीमारियों के खिलाफ इस तरह की सुरक्षा को प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहा जाता है। यही वजह है कि अगर किसी बच्चे को एक बार चेचक हो चुका है तो उसे इस तरह की बीमारी दोबारा नहीं हो सकती है। संक्रमण के जरिए भी शरीर में इम्यूनिटी बनती है। उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति इबोला से संक्रमित होने के बाद भी ठीक हो चुका है तो उसे फिर यह बीमारी दोबारा नहीं होगी। क्योंकि संक्रमण किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है या मार सकता है, इसीलिए शरीर में इम्यूनिटी बनाने का दूसरा तरीका है वैक्सीन। किसी भी बीमारी से बचने का यह एक सुरक्षित विकल्प है। हालांकि अब तक कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन खोजने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं, और इनमें से इबोला एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, कोविड-19 वैक्सीन कैसे काम करती है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आपने जरूर नई जानकारी भी हासिल की होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने करीबी लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस फैक्ट के बारे में पता चल सके, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।